बना ठीक हो आप, बन तो लिया होगा शुरू में क्या, छोड़ो अभी नहीं बनाना, सीखो आराम से। पहले क्या बदलना सीखे थे याद है कि भूल गया? नेशन में बार बार काम पड़ता है ना पर्सन का, क्या वो पर्सन? फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आई आर वी फर्स्ट, यू बाकी सब, ही सी इट सब, अब ही का दिया पुता सब थर्ड, सी का दिया पुता, राम का दिया पुता थर्ड, राम आएगा ही में, ही आता है थर्ड में, तो ही का सब, सी का भी सब थर्ड हो जाएगा, मोहन सोहन सब किसमें हो जाएगा, कुत्ता बिलाई भैंसी बकरी सब, विनोद किसमें आ जाएगा? सुना विनोद, विनोद कौन पर्सन? पॉइंट के लिए है ना। अच्छा आई का दिया पुता फर्स्ट पर्सन ना, वी का दिया पुता नहीं ना फंसेगा, वही चेंज होता होगा, ठीक है। पर्सन बदलना सीख गया ना, अगले दिन टेंस बदलना सीखे थे याद है? नहीं टेंस बदलना सीखा, जैसे टेंस में क्या था, जो भी प्रेजेंट रहेगा वो सब क्या हो जाएगा, जैसे वी वन वी फाइव वी टू इज अ मार वाज योर कैन का कुड मे का माइट सेल का सुड विल का वुड, चार्ट भी दिए थे था ना, बारो टेंस का पास्ट हो जाएगा, पहले से वी टू रहेगा सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट क्या ना, चलो चार्ट मिल गया है। तो टेंस बदलना भी क्या किए, और एक चीज और सीखना आज, क्या सीखना है? अदर वर्ड्स को बदलना, किसको बदलना? अदर वर्ड्स मतलब जैसे पर्सन टेंस के अलावा और जो अदर वर्ड दिखेगा ना उसको ही बदल देंगे, दिखा देते कैसे बदलेंगे, आज इसको बदलना मेन सीखेंगे। पहला क्वेश्चन पहले देख लो, दूसरा टाइप में वो कैसे बनाते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, सेट को टोल्ड करेंगे नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ना करेंगे, देखो सेट प्लस ऑब्जेक्ट रहे तब ना क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, लेकिन सीधे सेट रहे ऑब्जेक्ट ना रहे तो क्या रहेगा, ये चार्ट याद रखो ना भाई, ऐसा ना, सेट के साथ ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, सेट के साथ ऑब्जेक्ट है तो क्या रहेगा, बताए थे ठीक से, तो बताओ सेट करेंगे कि टोल्ड कर देंगे, उसके इन्वर्टेड कॉमा के बदले, क्लियर है? अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया ना, सॉरी पर्सन हो गया ना, देखो सब्जेक्ट किस में देखना है, इन्वर्टेड कॉमा के पहले कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना है, मतलब पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है तब पर्सन देखना है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें देखना है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या देखना है, दो का रोल है ना, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखेगा तब क्या देखेगा, एक नंबर पे या दो नंबर पे, पर्सन, तो इसमें कौन पर्सन, अर्थ पृथ्वी कौन पर्सन, बातें करो कुछ क्या हो जाएगा, मच्छर, मच्छर का टांग न हो जाएगा, सब थर्ड पर्सन, पृथ्वी कौन पर्सन, चेंज होगा नहीं ना होगा भाई, सीधे क्या होगा, उसको डाउट है नहीं बुझा, अरे मच्छर का टांग नहीं बुझा, कारण है ना उसका ब्याह नहीं हुआ है ना, तब बुझने लगेगा, अच्छा देखो, अरे अब देखो यहाँ क्या करेंगे, इज करेंगे ना, इज करेंगे टेंस बदलेंगे, टेंस टेंस कब बदलते हैं, जब प्रेजेंट रहता है फ्यूचर रहता है तब ना, उल्टे कि जब प्रेजेंट और फ्यूचर रहता है टेंस बदलता है, नहीं, जब पास्ट रहता है क्या होता है, टेंस क्या होता है तुमको, बदलता है ना, बदलता है, ये प्रेजेंट फ्यूचर है ये पास्ट है, तो पास्ट लाने टेंस क्या होता है, ठीक है मतलब टेंस, तो भाई इधर पास्ट देखो ना ये क्या है, पास्ट है ना वी टू, तो टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो इज का पास्ट भूल गया क्या हो जाएगा, वाज, राउंड का राउंड लिख देंगे ना, हो गया 100% गलत है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बनाया सही है लेकिन क्या है वो गलती है, क्या गलती है, हिम हिम, हाँ 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 देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोल बोल करके लोग को ठगता है, वो नहीं नहीं वो अंग्रेजी बोल कर मास्टर को ठगता है, देख रहा है कि नहीं, क्या चीज, थ्री के साथ लगा दो ना, थ्री के साथ, टू के साथ लगा, तीन के साथ लगा, आजा देखो क्या एरर है, देखो एरर है, क्या होता है ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया अभी, क्या है हम लोग यहाँ पास्ट देखते थे, यहाँ टेंस बदलता था ना, ये टेंस है
भर मतलब क्या टेंस है ना, यहां पास्ट होगा तो यहां क्या होगा टेंस बदलेगा, यहां पास्ट है यहां टेंस बदले कि नहीं बदले, बदले इसलिए गलती हो गया, यहां नहीं बदलेंगे तो सही हो जाएगा। तो सर क्यों नहीं बदलेंगे सो बताइए ना पहले। पॉइंट ऑफ क्या है, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा एक्सेप्शन कहा जाता है उसको, यूनिवर्सल ट्रूथ को क्या कहा जाता है तो याद करो, दूध मीठा होता है इंग्लिश क्या बनेगा मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता था का क्या बनेगा ना, दूध उजला होगा क्या बनेगा वाज में जाता है, कभी मिल्क वाज बोल सकता है तो तुम बोलेगा पृथ्वी गोल था चरखुट है परसु त्रिभुज हो जाएगा। पॉइंट सजा ना, तुम कह रहा है क्या पृथ्वी गोल है, जब ये तुम वाज किया तो इसका मतलब क्या हो गया पृथ्वी गोल था बोल सकता है तुम, कल्चर खुट परतु परसु लंबा हो जाएगा तो लटक के लटका रहेगा ये गोल का करियो होगा। पॉइंट सजा ना, तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो एक्सेप्शन कहा जाता है उसको, यूनिवर्सल ट्रूथ को क्या कहा जाता है, जैसे मिल्क जैसे मैं अच्छा था तो आई वाज गुड होगा ना, लेकिन दूध उजला था तो मिल्क इज व्हाइट होगा ना, वाज किए हिंदी में था लेकिन इंग्लिश में वाज किए क्यों नहीं किए, एक्सेप्शन अपवाद बदमाश खच्चर हर गांव में एगो दूगो मिलेगा, इसमें भी एगो है विनोद है कि नहीं, पॉइंट समझ आ गया ना, तो जो बदमाश रहता है उसमें छूछा तो बता वाज करेंगे इजे छोड़ देंगे, एग्जाम में पूछता है। पॉइंट समझा, जैसे सूरज पृथ्वी के चार तरफ घूमता है उल्टा बोल दिए, पृथ्वी सूरज के चार तरफ घूमता है तो इसमें भी बी टू होगा कि बी वन बी फाइव, भले तुम बोल दिया घूमता था उससे फर्क नहीं पड़ता, बनेगा किस में बी वन सिंपल वाला में प्रेजेंट वाला में वही चीज है। देखो वर्क इज वर्शिप, कर्म ये पूजा है, कल नहीं होगा परसों नहीं होगा, कर्म तो हमेशा रह जाएगा ना, तो ये सब एक्सेप्शन में काउंट होता है, बस हो गया। मनाओ कैसे बनाएगा, पहले क्या लिखेंगे सेट को क्या कर देंगे टोल्ड, टोल्ड नहीं करेंगे यहाँ किए है और जब नहीं है यहाँ तो है है उसके डेट लिखेंगे वर्क थर्ड पर्सन ना छपेगा ना, इसका पास्ट वाज होगा नहीं होगा, उसके बाद वही होगा अपने बोला वही होगा ना, और आई एस आंख वाला गधा कि गधा वाला आंख, आंख वाला गधा कि गधा वाला आंख, देख रहा उसको देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोल करके मास्टर को ठगता है वो, आ जाओ बेटा है क्या होगा इज होगा ना, वर्शिप का खत्म पहले सीखो राम से तब छापना, समझ में आ गया एक्सेप्शन ना बन जाएगा, अब एक बार यहां पर बढ़ गया कौन बढ़ते जाएगा खाली, एक्सेप्शन नहीं सीख गया एक्सेप्शन अपवाद यूनिवर्सल ट्रूथ गॉड गिफ्टेड, जो भी भगवान बनाया है उसको तुम छूचा करेगा, उसका पास्ट में जाएगा ना फ्यूचर में जाएगा, वो किस में रहेगा प्रेजेंट में मत जैसा रहे वैसा ही, एक्सेप्शन हो गया ई बाकी अभी हाला नहीं अदर वर्ड सिखाना है, आप क्या सिखाना है देखो इसको कैसे बनाया होगा तुम लोग आप बनाते हैं, पहले क्या लिखेंगे सी सेट की जगह पे ट्वेल्व हो जाएगा ले होगा, चलो आराम से देखो यहां तक ले ना यहां तक सबको आ गया ना बनाने, हाँ अगला स्टेप ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले रख के लो ना, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होता है आसान है बहुत आसान है बहुत आसान है, डेट लिख दे अब बताओ आई कौन पर्सन, उस समय पर्सन थर्ड पर्सन टकरा रहा था, यहाँ थर्ड पर्सन यहाँ थर्ड पर्सन नहीं चेंज किया, यहाँ कौन टकरा गया फिर बदलेगा ना, नागिन डांस करेगा कि नहीं करेगा किसको देख के करेगा, सब्जेक्ट में क्या है सी, तो सी के बदले यहाँ सी ना रहेगा, शुरू से स्टार्ट हो रहा है डेट के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट होता है शुरू से स्टार्ट होता है, शुरू से स्टार्ट होगा तो पहले क्या सब्जेक्ट फिर क्या भर फिर क्या सब्जेक्ट से ना स्टार्ट होता है, तो सब्जेक्ट सी होता है कि सी का धिया पुता सी होता है ना, चलो सी इज होगा ना यहाँ पे, यहाँ इज होगा कि वाज होगा, यहाँ टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो बड़ा मैं खुश हूं तो तुम खुश है कल नाराज नहीं हो जाएगा, कल खुश नहीं था ना
ऐसा तो कल खुश था, आज खुश है, परसों खुश रहेगा। ग्लैड का मतलब खुश होता है, खुशी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? जैसे बोलता है ना, मैं खुश हूं तो क्या बोलते हैं? आई एम हैप्पी, उसको बोल सकता आई एम ग्लैड। एक को याद है ना, उसके अलावा ही बहुत होता है। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, हो गया। आई एम ग्लैड है कि नहीं? मैं खुश हूं। टू बी हेयर, यहां से दिस मॉर्निंग, मैं यहां पर आज सुबह खुश हूं, ये हो गया। आ जाओ तो सीज हो जाएगा ना, कि वाज होगा, बदलेगा ना भाई। हाँ, काहे बदलेगा बोला तो कोई इसको बात क्यों करेंगे सर? यहां बी टू फास्ट है, पास्ट है तो इधर क्या हो जाएगा? तो यहां पा, देखो यहां पास्ट तो यहां प्रेजेंट, ऐसा हो सकता है? यही क्वेश्चन टेंस टाइम टेंस में होगा, है ना? यहां पास्ट बोले होंगे, यहां भी क्या होगा? सेम क्वेश्चन लिखा रहता है, वाज उसके आप छपेगा। टू बी हेयर का क्या करेंगे? हेयर। दिस का क्या करेंगे? दिस। मॉर्निंग का क्या करेंगे? बनाया, यही बनाया ना, गलती है। सी तो ठीक है, वो ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक, यहां तक ठीक है। अब क्या है कि अभी जस्ट बोले कि अदर वर्ड्स ना, पर्सन बदलना सीखे ना, टेंस बदलना सीखे ना, अदर वर्ड्स बदलना करना सीखे है। तो क्या करा है अदर वर्ड्स में, समझो जो भी नजदीक का चीज रहेगा उसको करा दूर का चीज कर दीजिए। तो मन में आएगा, ओ इसका अर्थ दूर का नजदीक ही देंगे? नहीं 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 नहीं, सिर्फ नजदीक के चीज को क्या करना है? दूर की, नजदीक के चीज को दूर करना है। दूर को नजदीक मतलब दिस है तो यह, तो दिस का दूर क्या होगा? याद को दिस डेट पढ़ाए थे, क्यों पढ़ाए थे? आज ही के दिन के लिए। दिस का दूर क्या होगा? हाँ, जैसे दिज, दिज का दोज, अरे ना हेयर का देयर, वही करना है। तो देखो यहां पे, देखो यहां पे, अब हेयर है तो क्या हो जाएगा बताओ? दिस है तो क्या हो जाएगा? तो ना याद हो गया अब, बस नजदीक का दूर करना है। दूर का नजदीक, अब पहले से देर रहेगा यहां पे तो नजदीक कर देगा, सिर्फ याद। नजदीक का चीज कहां करना है? हो गया, अब बन जाएगा। ये देखो कैसे बनाएंगे। पहले क्या लिखेंगे? ही सेड का क्या लिखेंगे? सेड डैट लिखेंगे, हाँ बोलते चलो। आई का क्या लिखेंगे? ही। विल कौन पर्सन? सर विल पर्सन है, और देखो विल पर्सन के वर्ब है, वर्ब है ना भाई, वर्ब मॉडल्स है ना भाई, सब कुछ पर्सन ही बना देगा ये, देखता है। बोलेंगे भी वन कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। ह्यूमन वर्ब है, सेल विल वर्ब है, ही कैन वर्ब है, सब कैन सब वर्ब है। आ जाओ ही के साथ देखो, एक से तो आई के साथ विल लगा है, आई और वी के साथ सेल लगता है ना, आई के साथ क्या लगा है? इसका ही के साथ क्या लगेगा? जब फोर्सफुली सेंटेंस आता है तो आई के साथ, आई और वी के साथ विल लगा देते हैं, तो ही के साथ क्या लग जाएगा? सेल। सेल लगेगा कि सेल का पास्ट? सेल लगेगा। अब याद हुआ, सेल का पास्ट, डू का डू रह जाएगा, डी वन, इट का तो इट वही रह जाएगा, इट नहीं बदलता है। यहां पे बदलेगा किसका? टुमोरो। टुमोरो का क्या होता है? द नेक्स्ट डे। टुमोरो का मतलब कल ना, आने वाला कल ना, द नेक्स्ट डे उसका मतलब आने वाला कल। अब छाप लो, छाप अच्छे से। देखो ये पुरुष का डाउट है कि ही के साथ शुड क्यों लगा, कोई बता सकता है? देखो क्या होता है, देखो परेशान ना, इसके लिए समझना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं ना, यानी बोले थे जब फोर्सफुल्ली सेंटेंस होगा, जबरदस्ती वाला, जैसे किसी को गरिया रहा है तो सेल से गरियाएगा कि विल लगा करके। किसी को धमकी देना है तो बोलेगा आई सेल, मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूंगा, तो आई सेल कि आई विल ब्रेक योर लेग, तो सेल की जगह पे क्या लगा दिया? अल तो बताओ अब ही या सी सब के साथ क्या करता है? तुम ही सी इट सब क्या करता है? क्या लगना है? लगना क्या चाहिए? विल ना, इन फोर्सफुली में क्या हो जाएगा? अब समझाया, तो ही के साथ विल लगाएगा तो विल का पास्ट क्या होता है? सॉरी, ही के साथ सेल लगाएगा तो सेल का पास्ट क्या होता है? ही के साथ स्टूडेंट लगे वहां पे, यहां पे क्या हो जाएगा फिर? अब आया बुझा? देख रहा विनोद, तुम देखते रहो कम से कम, क्या बेरोजगार तुम ही है?
तुमको पढ़ा लिखा करके हम कैसे भी नौकरी दिलवाएंगे, चाहे जो हो जाए इसके लिए। देखो ये तो समझ गया ना, क्या था कि जैसे टेंस बदलना सीखे थे, पर्सन बदलना सीखे थे, अब चार्ट को बदलना क्या करना पड़ेगा, तुमको सीखना पड़ेगा। इस चार्ट को तुमको क्या करना है भाई, चार्ट लेना है तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन मान लो जैसे यहाँ दिया हुआ देखो अ ईयर एगो, अब तुमको याद है नहीं कि अ ईयर एगो का क्या होगा दूर का चीज, तो फिर बन पाएगा, तुम लटकल रहेगा, कैसे बनाएगा, पहले क्या लिखेगा भाई, ही सेट को क्या करेगा, सेट है ना, इन्वर्टेड कॉमा के बदले सी कौन पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होगा, उसके बाद डाइट वर्ब का क्या मा है, दूसरा का वी टू का क्या होता है, भूल गया हैड है, वास तो किसका होता है, इजमार का ना, वी टू का हैड प्लस वी थी ना, हाँ तो हैड डाइट हो जाएगा। अब इसका बते नहीं है तो फिर बनेगा, इसका चार्ट में देखो ईयर एगो का क्या सब होता है, ए ईयर बिफोर या प्रीवियस ईयर, जो लिख दो तो चार्ट याद आना चाहिए तब ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देख लो तो दिस का देखो कुछ तो याद होगा आधा तुमको, दिस का डेट याद है ना, दिस का हेयर का हेंस का नाव का देन ठूस का, ये ठूस नहीं है रियल में, ये दस है दस, ये क्या है तुमको भाभी जी घर पर है वो सीरियल देता है उसमें महिला कहती है ठूस है क्या दस, इस प्रकार होता है इसका मतलब, दस का मतलब क्या होता है इस प्रकार, तो भाभी जी घर पर पड़ती है ठूस, हाँ जैसे भाई ये क्या है, ये क्या है फ्यूचर ना, उसे फुटूरे हाँ, अरे भाई ये क्या है नेचर ना, उसे पढ़ते नटूरे, तुम्हारा फुटूरे खराब हो जाएगा, तुम्हारा नटूरे खराब है नहीं, तुम्हारा नेचर खराब है, अच्छा भविष्य खराब हो जाएगा ठीक से ना, ठूस नहीं पढ़ना, कोई पढ़ रहा पढ़ा ठूस ना, ठूस की दस, हाँ चलो टुडे का दस का हो जाएगा सो, टुडे का डेट डे, यस्टरडे का दो है द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, उसके द डे बिफोर यस्टरडे का क्या हो जाएगा, देखो यस्टरडे कह रहा है कि कल से दो दिन पहले, वही ना, हाँ कल से पहले का बात हो रहा है, तो कल से पहले मतलब परसों, तो परसों मतलब दो दिन पहले नहीं हो गया, कॉमन से देखो ना हम कल से पहले का बात किया, तो कल से पहले क्या आया था, कल की परसों, परसों क्या दिन पहले, तो वही तो लिखा है कहाँ गया भाई, या टू डेज बिफोर मतलब दो दिन पहले, अच्छा टुमारो का आने वाला कल, द नेक्स्ट डे बोलो या द फ्लोइंग डे बोलो, द डे आफ्टर टुमारो का इन टू डेज टाइम, अगला क्या नेक्स्ट वीक बोलो, नेक्स्ट ईयर बोलो, नेक्स्ट मंथ बोलो, कुछ बोलो, ईयर वीक मंथ कुछ हो, तो द फ्लोइंग लगा देना, वीक है तो वीक, ईयर है तो ईयर, मंथ है तो डे है तो डे, लास्ट वीक या ईयर रहेगा तो भाई द प्रीवियस वीक करो, ईयर करो, मंथ करो, ईयर एगो रहेगा तो ईयर बिफोर करो या प्रीवियस ईयर करो, बन जाएगा ना, उसी में क्वेश्चन बनाए हुए। आगे देखो क्वेश्चन, अब आगे देखो बताए, देखो अभी तक जो बना रहे थे सारा क्वेश्चन पॉजिटिव था कि निगेटिव था, सो बता दो, अभी तक पॉजिटिव क्वेश्चन सीखे ना, अभी तक कैसा सीखे भाई, निगेटिव मिला है अभी तक, निगेटिव नहीं मिला, अच्छा इंट्रोगेटिव मिला है नहीं अभी तक, इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव सीखना पड़ेगा, अभी तक जितना बनाया सब पॉजिटिव को बनाने का तरीका था, किसको बनाने का, इंट्रोगेटिव को बनाने का तरीका अलग है, पहले सीखो आप सब छापना, एक चीज बताओ पॉजिटिव का नरेशन क्या बनता है, पॉजिटिव बना था कि निगेटिव बना था कि इंट्रोगेटिव बना था, ये तो समझ में आ गया, पॉजिटिव का क्या बनेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव का भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा, गलती बोल दिए, इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव बनेगा, वॉइस नहीं है, वॉइस में क्या हो रहा था, पॉजिटिव का पॉजिटिव, निगेटिव का निगेटिव, इंट्रोगेटिव का नहीं, इसमें नहीं नहीं नहीं, इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव बनेगा, गलती बोला है, इंट्रोगेटिव का क्या होगा, तो सर इसका मतलब है तो सीधा करना सिखाइए पहले, पॉजिटिव मतलब सीधा करना, जैसे देखो हम ये बोले आर यू इल, इसका सीधा करो,
सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले सीधा करना सीखो। यहां लिखते हैं क्वेश्चन, हम लिखे आर यू इन, यही ना होगा। तो ये सिंबल हटाना है, ये सिंबल कब हटेगा, सीधा करेंगे, सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर इन, सीधा हो गया ना। अब इसको बनाना है, इसका मतलब सीखो पहले, इस मतलब एक काम और जुड़ गया, नहीं जुड़ गया क्या, तुमको क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा, तब पर्सन बदलना है, तब टेंस बदलना है, तब अदर वर्ड्स बदलना है, आया था ना। पहले तो सीधा करना पड़ेगा, तो सीधा मन में कर लेना, और दिखाते हैं, सीखते हैं। देखो देखो जैसे इसको बनाते हैं, और समझो अभी तो पहले इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या करते थे, दैट नाउ करते पहले। देखो इसको बनाएंगे, ही किए, सेट बदलेगा कि नहीं बदलेगा, किस में हो जाएगा, टोल्ड, मी करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या करते थे, इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो यू आर इल कर दिया ना, फिर भी गलती है, ऐसे बहुत काम बदलेगा। अब जब ये इंट्रोगेटिव आ जाए ना, बहुत काम बदलेगा। देखो पहला काम ये टोल्ड नहीं होगा, अब तो सर क्या होगा, तो टोल्ड के जगह पे अब आस्क्ड होगा। एक पॉइंट सीखा आराम से, किसमें, किसमें, इंट्रोगेटिव में, समझते हो, इंट्रोगेटिव में टोल्ड के बदले क्या होगा, पॉइंट समझ आ गया, उसके बाद मी रहेगा ही। अब ये फिर डैट नहीं होगा, तो सर डैट के बदले में क्या होगा, तो डैट के बदले में दो चीज हो सकता है, या तो इफ का यूज करो, इफ, या तो वेदर का यूज करो, आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन चिकान दो पहले, डैट के बदले क्या करेंगे, इफ, या क्या करेंगे, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बदले या तो इफ या तो दोनों में से कोई लगा देना, ट्वेल्थ के बदले क्या करेंगे, आज क्यों करते हैं पता है, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इंट्रोगेटिव का ये बात कब आता है, जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं ना, तो पूछते हैं इंग्लिश में, पूछना का क्या होगा, समझ में आ गया, आज क्यों कर रहे हैं, जब ये इंट्रोगेटिव दिखे मतलब इवरा सिंबल रहा है तो समझ जाना, देखते ही समझ जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन है, या देखा, देखते बुझ गया कि इंट्रोगेटिव है, यहां पे क्या होगा, आप इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा, इफ या वेदर। अब इसको सीधा करना ना, तो सीधा तो कर दिया, इसको सीधा करना है ना, तो सीधा कर देना, यू आर इल। अब इसको टेंस पर्सन बदलना पड़ेगा ना, कौन पर्सन, यू, किसके अनुसार, पहले तो सीधा कर लिए, सीधा कर लिए तो यू पहले आ गया, यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है, तो मी के बदले क्या हो जाएगा, पर्सन बदल लिए, अब टेंस बदलना है, यू इज माय टेंस है ना, इसका सीधा क्या हो गया, यू आर इन, सीधा कर लिए, पर्सन बदल दिए, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, अब क्या बदलना है, तो इज माय का अपनी बदलने नहीं आता है, इज माय का पास्ट, आई के साथ क्या लगेगा, क्लियर, यहां तक आसान है, अब इन तो बस छपेगा, आई वाज इन, फुल स्टॉप। हाँ क्या बोले, अभी ये रुको रुको, बहुत है तमाम आगे, मतलब इंट्रोगेटिव बनाने तुमको आ गया, नहीं आ गया, क्या क्या करेंगे देख के बताओ ना, क्या क्या करेंगे इंट्रोगेटिव बनाने, क्या क्या करेंगे, अच्छा इधर मिटाए हम, हाँ जरा बोलो पहले, इंट्रोगेटिव में क्या क्या करेंगे, क्या क्या किए देख के बताओ, देख के, और क्या किए हैं, देखो यहां देखो हेडलाइन लिखते, इंट्रोगेटिव सीख रहे हैं ना, कौन सीख रहे हैं, अरे जो भी काम करेंगे लिख लो ना चार्ट बना करके, इंट्रोगेटिव का कैसे बनाएंगे ना, इंट्रोगेटिव कैसे पकड़ेगा इसको देख करके, या हेल्पिंग वर्ब कहां रहेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा ना, फिर क्या रहेगा सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा तुमको अदर वर्ब जो रहा है, यही ना स्ट्रक्चर होता है, हेल्पिंग वर्ब देखा समझ गया कैसा है, इंट्रोगेटिव है, लास्ट में ऐसा सिंबल भी रहेगा तुमको प्लस, लो देखो क्या क्या काम करेंगे, पहला काम क्या करेंगे बोलो, टोल्ड सेट के बदले में क्या करेंगे, सेट के बदले में टोल्ड करेंगे, आज करेंगे, अब ये भूल गया, देख के बताओ ना जो जो किए है, दूसरा काम बताओ, डैट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट करेंगे कि कुछ और करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टर, लो इन्वर्टर के बदले में क्या करेंगे सो देखो, क्या लगाएंगे, हाँ इफ या, हो गया क्या दिक्कत है, तीसरा काम देखो क्या किए, तीसरा देख के बताओ वहां पे, अरे ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये भी हो गया ना, अब सीधा किया ना, सीधा करेंगे मतलब इंट्रोगेटिव तो क्या बनाएंगे, तो रब भाषा में लिखते तो सीधा करेंगे, सीधा करना बुझ गया ना,
इंटोगेटिव में क्या बना देगा, पॉजिटिव, सीधा करने में, सीधा करेंगे ब्रैकेट में मतलब पॉजिटिव बनाएंगे ना, पॉजिटिव, क्लियर ना भाई। अब देखो अगला, देखो चौथा, उसके बाद सीधा कर दिए आप, टेंस नहीं बदलेंगे, तो पहले टेंस मिलेगा कि पहले पर्सन मिलेगा, सीधा कर दिए तो यू मिला कि आर मिला, पहले आर टेंस है यू पर्सन, तो पहले क्या पर्सन चेंज, उसके बाद क्या टेंस बदलेंगे, चेंज टेंस करो या टेंस चेंज करो, जो करो, हो गया ना, और कुछ ना हो गया। अगर अदर वर्ड्स भी रहेगा तो वही बदलेगा ना, ऐसे पहले वाला चार्ट, पीछे वाला सारा काम करेंगे, पीछे वाला जितना काम सीखे ना वो सारा काम होगा, अगर अदर वर्ड्स रहे, हाँ बस बस इतना काम करना है भाई, तभी तुमसे क्या बनेगा, रुक जा अभी अर्थी को पहले यहां पे, तो बताओ जरा, तो बताओ जरा यहां पे सीखो, तीन क्वेश्चन है ना, तो पहले सीधा करना सिखाए, सीधा करना बताओ, तो आर यू विल का सीधा क्या होगा, यू आर इल हो जाएगा, यू आर इल, अच्छा इसका बता, डू यू इट का सीधा करो तो डू यू इट भाई, इंट्रोगेटिव है टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला आई पहले, आई पहले का इंट्रोगेटिव डू आई पहले नहीं हो जाएगा, अरे डू डैट हट जाता है ना, टेंस आता है तब ये बनेगा, यू इट का इंट्रोगेटिव डू इट, इस देखो इसमें आर पहले से था तो बाद में चला गया, इसमें नहीं रहता, नहीं रहता है ना, सिर्फ इंट्रोगेटिव मन चलाते हैं ना, ऐसा ना बता, डज ही रीड का, ही रीड की रीड, बी फाइव बन जाएगा ना, ना बन जाएगा बी फाइव, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हाँ अच्छा बता एक बार लिखते हैं, देखो तो आई एट का इंट्रोगेटिव करो, इंट्रोगेटिव डू आई इट होगा, डिड आई इट भाई, बी टू है ना वो, तो बी टू का डिड होता है ना, अब बी वन बी फाइव का डू या डज, सीधा करने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हाँ अच्छा तो एक बार बना लो, बता तो आई कैन इट का बनाओ इंट्रोगेटिव, कैन आई इट नहीं होगा, ना हो जाएगा, तो तुमको ये वाला नहीं, ये वाला दिया रहेगा, नीचा वाला दिया रहेगा डिड आई इट, तो क्या कर देगा एट, सीधा करने आ जाएगा अपना, सोच के करना आराम से बन जाएगा, अब छाप लो थोड़ा सा, सब छापो छापो, देखो एक क्वेश्चन देख लो, उसके छापना आराम से, देखो आराम से सामने देखो, रुक जा लिखना, देखो सी का क्या करेंगे, सी सेट के बदले में क्या करेंगे, यहां देखो चार्ट से, बस हो गया, चार्ट देख के बनाओ ना, क्या डरता है तुम, आज टू हट जाएगा ना, देखो टेल के बाद टू नहीं लगता है, आज के बाद टू नहीं बोलते, आस्क टू मी की, आस्क मी याद करो, स्पोकन पहला दिन जो पढ़ाए थे, सी आस्क मी टू नहीं आता है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर, तो तुम दोनों लिखेगा, एक में दोनों लिख दिया है, लेकिन एक को बना, ऑप्शन देखना इफ से बनाए कि वेदर से, उसका देखो आप सीधा करना है ना, तो क्या करना है, तो सीधा करेगा तो देखो उल्टा किया था हैव यू, सीधा करेगा तो यू हैव ना, ये यहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तो यू हैव हो जाएगा ना, तो पहले पर्सन बदलो, यू कौन पर्सन, किसके अनुसार ऑब्जेक्ट आए, ओके ना, अब हैव होगा ना यहां पे, कि हैव होगा कि हैव का पास्ट होगा, टेंस बदलेगा ना, सीधा कर दिए तो टेंस तो बदलो, आई हैड ए रेड पेन, ए रेड पेन कौन पर्सन है, इसलिए चेंज बन जाएगा, अब देखो होमवर्क क्या आ गया, तो बना के लाएगा एक्सरसाइज 79, 80 तक बनेगा तुमको, अब 80 तक बनेगा तुमको, अब काफी है, अच्छे से बनाएगा थोड़ा सा, कम से कम कुछ कुछ क्वेश्चन भी बनाएगा, 5 को 7 को 10 को जितना मन करे उतना बनाना, काफी है।